हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं किचन में हूँ। आप लोग जैसा कि बैक आप देख ही रहे हैं पीछे मेरे क्या है, तो मैं किचन में हूँ और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज मैं ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला बनाऊंगी। मैंने बेसन 1 घंटे पहले घोलकर रख दिया है। अब इसमें मैं क्या क्या मिला रही हूँ ये आपको बताऊंगी। वैसे बेसन का चीला बहुत आसान है बनाना, बट मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, सबको बहुत पसंद है घर में। ब्रेकफास्ट कई दिन से नहीं बनाया है, ब्रंच ब्रंच से काम चला रही थी मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्रेकफास्ट भी बना लूँ। तो आज ये लॉकडाउन का 6th डेज है, तो आज 6वां दिन है, लेकिन यार ऐसा लगने लगा जैसे बहुत दिन से हम लोग घर में रह रहे हैं, तो काटना तो बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। टाइम घर पे क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और अभी यहाँ जस्ट मैंने न्यूज़ सुना है कि लोग मान नहीं रहे हैं, बाहर बहुत निकल रहे हैं, तो अभी इंदौर में क्या किया है, 2 दिन के लिए सारा चीज सब कुछ बंद कर दिया है। मतलब यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर वगैरह भी बंद कर दिए हैं। यार ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को मानना चाहिए जैसा कह रहे हैं, नहीं तो हम लोग की जो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज मिल रही हैं बाहर से वो भी बंद हो जाएंगी, फिर सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उस टाइम के लिए टाइम बांधा गया है, तो उस टाइम में जाकर के हम लोग सामान खरीद सकते हैं। तो अभी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आसानी से सब चीज मिल रहा है, मतलब जरूरत की चीजें सभी मिल रही हैं। तो सब लोग को कहना मानना चाहिए, मत निकलो यार सब लोग बाहर, नहीं तो इस तरह में गवर्नमेंट सब बंद कर देगी, फिर अपने को ही प्रॉब्लम होगी। तो अभी तो स्थिति ठीक बनी हुई है, तो लोगों को कहना मानना चाहिए, घर में रहने को मिल रहा रह लो जितने दिन बोल रहे हैं, फिर उसके बाद तो आजादी ही आजादी, जहां जाना है वहां जाओ। समय तो बस सिर्फ घर का ही बनाओ खाओ। तो बच्चे लोग भी घर पर खूब ऑर्डर करते रहते, आज ये बनाओ मम्मा आज ये बनाओ। तो चलो आज कुछ स्पेशल बनाने की सोच रही हूँ, देखती हूँ अगर हो सकेगा शाम तक, तो अगर कुछ अच्छा बनाऊंगी तो मैं वो भी रेसिपी आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अभी तो फिलहाल मैं बना रही हूँ बेसन का चीला बना रही हूँ, तो कैसे मैं बनाती हूँ वो आप देखिए। मैंने ये बेसन घोल लिया है, 1 घंटे पहले इसको भिगो दिया था जिससे ये अच्छे से फूल जाए, तो इसको अच्छे से फेंट करके छोड़ दिया। इतना अभी इतना लिक्विड किया है, इसमें जरूरत पड़ेगी तो और पानी डाल दूंगी। इसमें मैं ऐड करूंगी प्याज, ये ऐसे मैंने इसमें, ये बहुत आसानी से इससे हो जाता है और बहुत अच्छा होता है ऐसा। इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च दोनों एक साथ ऐसे चॉप कर लिए है ये चॉपर से, ये और प्याज रखिए, इसको भी ऐड कर देती हूँ। प्याज ज्यादा डालिए तो अच्छा लगेगा। ये प्याज ऐड कर दिया और हरी मिर्च ऐड कर दिया। अब इसमें धनिया पत्ती भी ऐड करूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। अच्छा पतला लिक्विड रहेगा तो पतले पतले चीले बनेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा मीठा सोडा ऐड करूंगी, देखिए इतना सा, ज्यादा नहीं करना है। गैस में तवा चढ़ा दिया, थोड़ा इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तवा गर्म हो गया है, तो ये बेसन का जो लिक्विड बनाया है ये डालेंगे। ऐसे चारों तरफ से फैला करके चारों तरफ इसको फैला देंगे जिससे पतला हो जाए। ऊपर से किनारे किनारे ऐसे ऑयल डाल देंगे।
दबा दबा करके चीले को अच्छे से सेक लेंगे। रोनी में ही कुछ कुछ बेचने लोग आने लगे हैं, तो एक ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता है, वो कॉलोनी में ही आ जाते हैं। जैसे अभी ये फ्रूट वाला कोई आया है, फ्रूट लिया है अभी हम लोगों ने, तो कम से कम बाहर नहीं जाना पड़ता, अच्छी बात है। अब इन फ्रूट्स को पहले मैं अच्छे से पानी में वॉश करूंगी, बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है, आप लोग भी बहुत केयर करिए। अभी कुछ भी नहीं कह सकता किसको ये प्रॉब्लम हो जाए कोरोना वायरस का। तो चलिए अब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलती हूँ आपको, बाय बाय। कैसे बने चीले? बहुत टेस्टी।